डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर, स्वागत है आप सभी का हमारे शिखर क्लासेस में। साथियों, हिंदी का ये दूसरा अध्याय है जिसमें शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं जो एग्ज़ाम में आए दिन आती रहती हैं। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है हिंदी की, उनको ज़रूर देखें, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि आपको हर हर एक शब्द अच्छे से समझ में आए। देखो, ये पहला प्रश्न है जिसमें दे रखा है, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर, तो आप जानते हैं कि जो सिंगल अक्षर होता है उसको अक्षर कहते हैं। जैसे हमने का बनाया तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल अक्षर कहेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखो, ये परिभाषा लिखी है कि वह ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास या प्रयत्न से होता है, प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है इसकी, आप देख सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? देखो, शब्द क्या है और अक्षर क्या है, इसमें अंतर है। जैसे कि हमने लिखा कमल, तो ये देखो कमल एक क्या है, ये शब्द है, क्योंकि ये अक्षरों के या वर्णों के मेल से बना है, इसको हम कहते हैं शब्द। चलिए, तो देखो एक परिभाषा इसमें दे रखी है, उसको देख लेते हैं। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। देखो, वही चीज है। चलिए आगे देखते हैं, शब्द रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखो, रूढ़ का मतलब होता क्या है, देख लेते हैं। देखो, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे जैसे कुर्सी, फूल। देखिए, कुर्सी, फूल, जैसे कुर्सी कहते कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली एक यह चीज जिस पर बैठा जाता है। देखो, कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द जिनका हम खंड करने पर इनका कोई अर्थ न निकले, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द भी कह सकते हैं। जैसे हमने कुर्सी को लिया, तो कुर्सी को अगर दो भागों में बांट के लिखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह से ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हमने लिखी चीनी। अब देखो, चीनी के अगर खंड करेंगे तो चा और ना, या ची प्लस नी, यानी इनका दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए अब देखते हैं यौगिक। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? देखो, यौगिक का मतलब ही होता है कि दो शब्दों से या दो पदार्थों से, देखो दो पदार्थों से मिलके जब कोई वस्तु बनती है तो उसको यौगिक कहते हैं। तो उसी प्रकार, तो जब दो शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसी को क्या कहते हैं? यौगिक। तो देखो, जैसे संधि आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें और अच्छे से जानेंगे। जैसे हिम प्लस आलय, तो दोनों शब्दों का अलग मतलब है। देखो, हिम का मतलब है बर्फ और आलय का मतलब है घर, तो हिमालय इससे बना है, हिमालय। जैसे देखो, प्रधान प्लस मंत्री, तो प्रधान अलग होता है, मंत्री अलग होता है, तो इसका मतलब हो गया प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखो, योग रूढ़, तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई ली हमने, तो चारपाई का मतलब चारपाई जिसमें चार पाए हैं, तो ऐसी क्या है, उसको हम खाट कहते हैं। तो उसी तरह से जैसे बहुव्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, तो हमने एक नाम दिया जिसका नाम है गणेश। तो इसी तरह से योग रूढ़ में ही ऐसे ही शब्द आएंगे जैसे बहुव्रीहि समास के होते हैं। आगे देखते हैं, समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। समास रूढ़, देखिए, सामासिक शब्द में भी कुछ शब्द का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन का अर्थ है दशमुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ हैं। देखो, इसको समझना। आगे देखते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखो, तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम, तो
तत्सम का मतलब है जो शब्द, संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे मान के चलना, जैसे देखिए भूमि, तो संस्कृत में भूमि को भूमि कहते हैं, प्रथम को प्रथम कहते हैं, राष्ट्र को राष्ट्र कहते हैं, सूर्य को सूर्य कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के आज भी हम ज्यों के त्यों बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम। चलिए देखो अब तत्सम, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं, यानी देखो आगत या विदेशी का मतलब है ऐसे शब्द जो बाहर से आए हुए हैं, ऐसे शब्द जो बाहर से आए हुए हैं उनको आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो देखो विदेशों से आए कुछ ऐसे ऐसे लोग जो भारत में मूल रूप से बस गए, तो उनकी जो भाषा थी उस भाषा को यहाँ पे वो बोलते थे, तो उस भाषा को यहाँ के संपर्क में आने के कारण कुछ कुछ शब्द ऐसे थे जो कि वो विदेशी के नाम से जानते हैं। जैसे वो लोग जब जहाँ रहते थे तो उन शब्दों को यूज करते थे, तो वो उन शब्दों को भारतीय लोग भी सीख गए। तो ऐसे शब्द आज भी प्रयोग में आते हैं, जैसे कैंची है, बटन है, तोप है, कागज है, आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो इन सारे शब्दों को हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि देशी शब्द क्या होता है। देशी का मतलब है ऐसे शब्द जो देश में जन्मे हों, और विदेशी का मतलब है ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हों। तो देखो एक तौर से ये मान के चलिए, एक तरह से ऐसे शब्द हैं जो स्थानीय बोलियों या फिर उपभाषाओं से आए। तो अब तुम देखते हैं कि यहाँ पे जो हम बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी ऐसे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं जो कि हम बिल्कुल अपने तरफ से बनाते हैं या फिर हम दूसरे लोगों से, यहीं के लोगों से सीखते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, देसी शब्द कहते हैं। तो उनमें देखो जैसे ढूंढना, खाट, लोटा, डंडा, ये सारी के सारे जो शब्द हैं वो कैसे शब्द हैं, देसी। अब चलिए संकर की बात करते हैं। देखो संकर क्या होता है, अब तुम्हें पता है कि जो संकर होता है वो दो वैरायटियों का मिक्स होता है, यानी कि संकर दो वैरायटियों से मिक्स करके जब एक वैरायटी बनती है उसको संकर कहते हैं। तो उसी तरह से जब दो भाषाओं से मिलकर के एक कोई भाषा बनती है उसको हम क्या कहेंगे, संकर। जैसे रेलगाड़ी हमने लिखा, तो रेलगाड़ी में दो दो चीज़ें हैं, देखो रेल प्लस गाड़ी, तो रेल हमारा किसका शब्द है, इंग्लिश का, तो रेल किसका शब्द है, इंग्लिश का, और गाड़ी किसका है, हिंदी का। तो दोनों के मेल से क्या बना, ये दोनों के मेल से बना रेलगाड़ी। तो अब रेलगाड़ी क्या हो जाएगी, संकर। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। व्याकरणिक प्राकार के आधार पर शब्द भेद। अब देखो इंग्लिश में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, तो उसी तरह से देखो हिंदी में भी ये छह प्रकार, देखो ये प्रकार दे रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, इन सबको पढ़ना है हमें। तो इन सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आप कन्फर्म रखना। चलिए तो देखो आठ भेद हैं इसके, तो उपर्युक्त आठ प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है ना। तो देखो चार तो ऐसे हैं जो विकारी शब्द हैं और चार कैसे हैं, अविकारी हैं। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक और विस्मय बोधक आते हैं। आगे चलते हैं शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। देखिए उपसर्ग की परिभाषा, तो उपसर्ग क्या है जानते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे आगे लगकर उनके अर्थ में विशेषता, देखो कोई भी किसी शब्द के आगे जब कोई शब्दांश लगता है और उसमें कोई परिवर्तन आता है लगने के बाद उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान के चलना हमने लिखा प्रधान,
मंत्री। अब इसके आगे हमने उप लगाया तो ये क्या हुआ, उप प्रधानमंत्री। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, उपसर्ग कह सकते हैं हम इसको। तो किसी शब्द के आगे लगने के बाद जो शब्द बदलता है उसको ही हम क्या कह सकते हैं, उपसर्ग। देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे पराक्रम, क्या है पराक्रम, एक तो होता है देखो, अब है ये पराजय, देखो जय के आगे क्या लगा है, पर, भव के आगे क्या लगा है, परा, तो धीन के आगे क्या लगा है, ये, तो ये जो पर है वो क्या है, उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग के कार्य क्या हैं जानते हैं इनको। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते हैं, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते हैं। दूसरा, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरी बात, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं, तो ये बात ध्यान रखने की है। चलिए आगे देखते हैं, देखो शब्द, शब्द भेद एक दृष्टि में, तो यहाँ आपको ये टेबल अच्छे से समझनी है और ध्यान रखना कि देखो शब्द भेद की एक दृष्टि में, तो देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। तो सार्थक को जानते हैं पहले, देखो सार्थक में रचना के आधार पर, इसके तीन पार्ट हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो देखो शब्दों के भेदों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थ के आधार पर, तो जानते हैं पहले रचना के आधार पर। तो देखो रचना के आधार पर तीन चीजें दे रखी हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीनों को अभी समझाया, आपको समझ में आ चुके होंगे कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। अब बात करते हैं, देखो इसमें यौगिक में क्या क्या होता है, तो उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। तो इसमें देखो उपसर्ग में दो शब्द, यानी कि उपसर्ग में जो पहले मतलब शब्द के आगे लग के कोई शब्द बनता है, प्रत्यय में किसी शब्द के पीछे लग के कोई शब्द बनता है। अब आती है बात उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से, और फिर है शब्दों के योग या समास की विधि से। तो इस तरह से चार तरीकों से यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं देखो उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर यानी देखो तत्सम, तत्सम और ये तद्भव, ये दोनों विदेशी शब्द जो विदेशों से आए, संकर शब्द जो संकर दो शब्दों से मिलके बने, तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की रचना है। अब आते हैं बात अर्थ के आधार पर, तो देखो ये चार प्रकार दे रखे हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। चलिए अब देखो निर्थक की बात करते हैं, तो निर्थक में क्या क्या है, तो देखो विकार के आधार पर है ना, इस विकार के आधार पर भी देखें तो इसमें दो चीजें मुख्य हैं, तो एक तो देखो विकारी और एक अभिकारी। तो विकारी में कितने हैं, ये विकारी में देखो चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये कैसे हैं विकारी, अभिकारी में क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, अभी बताए थे आपको। चलिए अब देखें उपसर्गों की संख्या, तो देखो उपसर्ग अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे संस्कृति के उपसर्ग हैं, तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, उनकी संख्या मानी गई है 19। तो उपसर्ग इसमें है क्या, जैसे देखो अति है ना, तो अधिक के हम आगे लगाएंगे, अधिक के आगे अति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक है ना। जैसे असीम्य, तो अधिसीम, देखो कहने का मतलब जो पहले लगे हैं, जो पहले ये शब्दांश आपको दिख रहे हैं, जो शब्द ये इनमें लगने के बाद इन सारे के सारे शब्दों में इनका अर्थ बदलेगा, तो इन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। तो इनकी देखो इनको ध्यान से देखना और कोशिश करना आप लोग नोट्स बनाने की, तो आपकी ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे देखो आ है ना, तो जैसे देखिए इन सब का ये मतलब दे रखा है, जैसे आ है तो आ का मतलब होता है तक या कम या धर। जैसे जैसे हमने लिखा कार, लिखा मान के चलिए, जैसे कार लिखा तो हमने इसके आगे लगाया आकार, तो ये क्या बन गया, आ से उपसर्ग। जैसे एक एक शब्द लिखा धार, तो आगे लगा दिया हमने आधार, तो इसी तरह से इन शब्दों से
शब्दों के मेल से बनता है। जैसे ये देखो अभी है ना, तो देखो मान के आगे अगर हम अभी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभिमान। इसी तरह से देखो, इसी तरह से बहुत सारे जो शब्द हैं 19 तरह से ये दे रखे हैं, तो इन शब्दों के पहले यूज होगा। तो आप इन शब्दों को एक आध शब्दों को कोशिश करेंगे तो जरूरी आपके समझ में आएंगे। जैसे देखो अनु है ये, है ना, तो अनु के हमने जैसे शरण लिखा, जैसे मान के चलिए शरण, तो शरण के पैसे हम पहले हमने लगाया अनु, तो क्या हो जाएगा, अनुशरण। तो इसी तरह से जो शब्द किसी शब्द के पहले शब्दांश लग जाते हैं उनको हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। देखो इस तरह से अगर तुम इनको देखोगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और वीडियो लंबा ना हो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें मुझे जल्दी समझानी पड़ती हैं। चलिए देखो आगे देखते हैं कि ये जो दे रखे हैं 19 उपसर्ग, ये आपके समझ में आए होंगे। जैसे देखो प्र, ये प्र है ये, जैसे जैसे एक के आगे हमने लिखा, तो जैसे प्रत्य, एक प्रत्य हमने लगाया, देखो इसका अर्थ ये दे रखा है, जैसे और, उल्टा, प्रतिरोध। तो हमने जैसे प्रत्य लिखा, जैसे एक लिखा और एक के आगे प्रत्य लगाया, तो क्या हो गया, प्रत्येक। जैसे आगे देखते हैं, जैसे हमने लिखा मान, तो मान में हमने सम लगा दिया तो हो गया सम्मान। तो इसी तरह से हिंदी के उपसर्ग भी हैं, देखो ये हिंदी के उपसर्ग हैं, तो इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के उपसर्ग, है ना। तो आगे आने वाले टाइम में मैं ये एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें और क्लियर कराऊंगा। तो हालांकि आपको इतना ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर के जुड़ता है, और उसको जुड़ने से एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। बस ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठानी है। तो आगे देखते हैं, देखो उर्दू के उपसर्ग हैं, तो उर्दू के उपसर्ग में देखो अल, एन, कम, खुश, गैर। जैसे कानून हमने लिखा लगाया तो उसके आगे गैर लगा दिया, तो क्या हो गया, गैर कानून। जैसे जैसे हमने लिखा खुश और जैसे हमने लिखा नाखुश, तो जैसे नसीब लिखा हमने तो आगे हमने लिख दिया खुश, तो क्या हो गया, खुश नसीब। ऐसे ही ना है, ऐसे ही फिल है। तो सारे के सारे शब्दों का हम किसी न किसी शब्द में यूज करके उसके अर्थ को हम बदल सकते हैं, उपसर्ग का ये मतलब होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। तो देखो ये वीडियो लंबा हो सकता है अगर मैं इन सारी चीज़ों को लेके चलूंगा, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ये आप जल्दी से इनको तैयार करें। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं इनको रिवीजन कराए देता हूँ, चलिए जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की बात रह जाएगी तो उनको आगे देख लेते हैं। देखो ये उपसर्ग आपके समझ में आए होंगे। चलिए अब देखते हैं प्रत्यय क्या होता है। तो देखो प्रत्यय, तो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के पीछे से जब कोई शब्द आके जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल दे तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये परिभाषा भी लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने मतलब बताया है इसका वही अर्थ निकलेगा। देखो यहाँ देखते हैं, जैसे सब्जी वाला, तो यहाँ सब्जी लिखी है, अब देखो बाला यहाँ पीछे लगा दिया, तो ये क्या है, जो बाला हो गया ये क्या हो गया, प्रत्यय। तो हमेशा याद रखो कि उपसर्ग को हमेशा आगे लगाते हैं और प्रत्यय को हमेशा पीछे से लगाते हैं। तो ये देखो मूल शब्द है, सब्जी क्या है, मूल शब्द, और प्रत्यय क्या है, बाला। तो अब देखो यौगिकीकरण हो गया, यानी कि ये मिक्स हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, देखो प्रत्यय, तो प्रत्यय में यहाँ देखो तद्धित प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय, तो दो चीजें दे रखी हैं। तो देखो कृतवाच्य तद्धित, नंबर दो है ऊन या लघुतावाचक या संबंधवाचक। इसी तरह से ये तद्धितों के प्रकार दे रखे हैं कुछ, और ये कृदंत। तो प्रत्यय के दो दो भेद होते हैं, एक तद्धित और एक कृदंत प्रत्यय। आगे देखो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो आगे है शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ यानी पुनर्विलोकन। तो स्वर, स्वर युक्त व्यंजन यानी कि अक्षर, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, आठ भेद होते हैं। किताब घर कैसा शब्द है, संकर शब्द है, देखो किताब प्लस घर। तहसीलदार कैसा है, संकर है ये भी।
और खन खन कैसा शब्द है? ध्वनान्यतक। तो आगे देखते हैं, रिक्शा संबंधित है जापानी। तो देखो इस तरह के कहाँ कहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। बेगम, दरोगा, चाकू संबंधित है तुर्की भाषा से। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण किसी शब्द हैं? तो ये कैसे हैं? तो इनको कहते हैं समास रूढ़। अत्यंत निर्वाह में क्रम से कौन सा उपसर्ग निश्चित है? अत्यंत में, देखो अते, अत्यंत में क्या आएगा? अते, और निर्वाह में क्या आएगा? निर। तो मैं इनको उपसर्गों को और अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। देखो आगे है, उपसर्गों की संख्या कितनी है? तीन है। संस्कृत के उपसर्ग कितने? 19। हिंदी के उपसर्ग कितने? 10। उर्दू के कितने? 19। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आगे है अनु। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे, साथ, है ना। आगे है सो। उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। वा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अद उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। आगे देखते हैं, देखिए लुटेरा, लुटेरा ठकुराइन में क्रम से प्रत्यय है। देखो इसमें क्या है? एरा, यानी लुटेरा में लुट प्लस एरा। देखो ठकुराइन में, तो देखो ठाकुर में आयन और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ठकुराइन हो जाएगा। जो प्रत्यय है, आगे देखते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कृत प्रत्यय। देखो एक चीज और है, यहां मैं आपको तद्धित और कृत्य समझाया था, अब ये समझिए आप। तो देखो जो प्रत्यय है ना, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अब धातु आपको समझ में आ गई होगी कि धातु होती क्या है। तो एक ऐसा मूल जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ हासिल नहीं होता है, तो उनको हम धातु कहते हैं। तो हम क्या कहने वाले हैं कि इसमें आपको ये समझा रहे हैं कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो धातुओं के अंत में लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? कृत्य प्रत्यय कहलाएंगे। देखो आगे है, जिस प्रत्यय से बने शब्दों में कर्ता का बोध हो कृत्यवाचक कहलाता है। तो हम इसमें ये कहते हैं जो कर्ता या क्रिया या विशेषण इन तीनों का बोध होता है उन प्रत्ययों में, तो उनको तद्धित कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। आगे देखते हैं, देखो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगाकर नए शब्द बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? तद्धित शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं, जिससे समता का बोध हो वे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अन्य नाम हैं। तो देखिए आगे अन्य नाम है आदि प्रत्यय, जो व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय, ये सब। आगे देखते हैं, बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, भाववाचक तद्धित हैं। देखो ये भाववाचक संज्ञा है, ये दिखाई नहीं देती है, तो भाववाचक तद्धित भी बन जाएंगे, ऐसे मानव, दानव, यादव। तो अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक हैं। देखो आगे देखते हैं, पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़का, तो ये क्या है? कृतवाचक प्रत्यय है। अब देखो सुनार है, लोहार है, कहार है, चमार है, मशालची है, या कृतवाचक तद्धित, मिलनसार, चालबाज, मेजपोश, क्रम से प्रत्यय हैं, सारबाजपोश, तो ये क्या है? सब प्रत्यय हैं। अर्थानुसार वाक्य कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। जिस वाक्य में किसी बात का होना या पाना, विधान वाक्य, होना या पाना विधानार्थक वाक्य है ना। आगे देखते हैं, जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। तो देखो आगे है, जिस वाक्य से प्रश्नवाचक भाव, तो प्रश्नवाचक कहलाता है। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो संकेतार्थक वाक्य। अच्छा, वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कौन सा शब्द है? विस्मय बोधक। आगे देखते हैं, वाक्य के प्रमुख खंड हैं, दो खंड हैं, एक उद्देश्य और एक विधेयक है। देखो इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो रचना अनुसार वाक्य के दो वाक्य भेद हैं तीन, साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीन हैं।
आगे देखते हैं, पूजा गाना गा रही है, यह कैसा शब्द है? तो ये कैसा शब्द है भाई? ये शब्द है साधारण वाक्य है। जैसे पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, यह कैसा शब्द हो जाएगा? ये संयुक्त है। देखो संयुक्त जब होता है, जब जब किसी सेंटेंस में जब कोई अल्प विराम या पूर्ण विराम लग के कोई दूसरी बात उसमें जुड़ी हो तो उसको कहते हैं संयुक्त। आगे देखते हैं, देखो जो मोबाइल मेज पर रखी है, जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, या कैसा वाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य है। तो इसमें क्या है, पूजा को मिली है तो वो क्या है, एक पूजा विशेषता है। आगे देखते हैं, जो जब जब के इसलिए पर और तथा शब्द है, संयोजक शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द है, विकारी शब्द। अब देखो आगे, समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक शब्द हैं, अभिकारी शब्द हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। सामान्य शब्द के कितने प्रकार हैं? तो देखो सामान्य शब्द के प्रकार, इसके बारे में देखो दो प्रकार होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में हम इसको एक्सरसाइज कराएंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप सीख पाएंगे। और देखिए इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद एक्सरसाइज जब करोगे तो हर एक प्रश्न आपके समझ में आएगा। तो धन्यवाद आप लोगों के लिए इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें कि किस तरह से आपको अच्छा लगा या समझ में आया कि नहीं आया। और जब अच्छा लगता है तो इसको शेयर और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब वगैरह ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें।